इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने बाल क्या ट्यूसडे वाले दिन काटे जा सकते हैं, या लोग बहुत सारे मना करते हैं कि सैटरडे या फिर ट्यूसडे वाले दिन बाल नहीं काटने चाहिए। तो ऐसी तो कोई बात मुझे याद नहीं है कि मंगल वाले दिन बालों को काटने की किसी हदीस में या बुज़ुर्ग के कॉल से कोई मनाही हो। अगर आपने इसको कहीं पढ़ा है तो एक मरतबा आप उसको किसी आलिम दीन से चेक करवा लें कि आपने इसको कहाँ पढ़ा है। बाकी ये कि ट्यूसडे वाले दिन बाल काटे जा सकते हैं, अलबत्ता इतना ज़रूर है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़वी शरीफ में एक मकाम पर मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ताल्लुक़ से कॉल नकल किया है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि मंगल के दिन कपड़ा ना काटा जाए, और जो कपड़ा मंगल के दिन काटा जाए वो या तो जले या तो डूबे या तो चोरी हो। तो इस तरह से मंगल के दिन कपड़े काटने की तो यानी रिवायत मनकूल है, लेकिन ये कि बाल वगैरह काटने के ताल्लुक से तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि मंगल के दिन ना काटा जाए। बाकी वेडनेसडे यानी बुध वाले दिन नाखून ना काटे जाए, बाकी बाल किसी भी दिन जो है ना वो काटे जा सकते हैं। पत्थर में असर